अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान ज़ोया और आप देख रहे हैं क्योंकि जमहूरियत है। आज के शो में जो कुछ आप देख सकेंगे उसकी झलक ये है। नहीं पापा नहीं, मत खाएं ऐसे खाने, मैं आ रही हूँ, मैं आपको ये खाने नहीं खाने दूंगी। क्या हुआ बेगम, किससे बातें कर रही हो? सफदर, मुझे लग रहा है पापा लंदन में अय्याशी कर रहे हैं। हफ्ते दिनों में और महीने हफ्तों में ऐसे गुजर जाते हैं जैसे बिजली का बिल जमा कराने के बाद गरीब आदमी का महीना यूं गुजरता है। लंदन मुझे शुरू से ही पसंद था। तौबा, अब इस निजाम के खात्मे का वक्त आ गया है। मियां साहब, आप हर बार क्यों भूल जाते हैं कि इसी निजाम की वजह से हम खरपति बने। शक्ल से तो ये वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब से लग रहा है। और ये मैं हूँ वजीर आला उस्मान बुज़दार और फिर शेर शाह सूरी। शेर शाह शेर शाह सूरी की बात कर रहे हैं आप। मियां तेरे जान सार कुछ नाहल कुछ निवार, मियां तेरे जान सार कुछ नाहल कुछ निवार, जवाब दो। ये बाहरों की आवाजें और तेज हो जाती। इसहाबदार, ये भी मुझे यंग डॉक्टर का गुंडा लगता है, इसे फिर मारो। ओ भाई, छोड़ो। वजीर आजम इमरान खान साहब ने कहा है कि नौजवान बदउनवानों का पीछा करेंगे तो ही नया पाकिस्तान बनेगा। खान साहब, कहीं ऐसा ना हो कि नौजवान बदउनवानों का पीछा करते करते हुकूमत तक पहुंच जाएं, क्योंकि आपकी हुकूमत होने की वजह से नौजवानों में जितनी तेजी से बेरोजगारी बढ़ी है, ऐसे बेले नौजवान कुछ भी कर सकते हैं। ECL से नाम बाहर ना निकलने की वजह से मरियम नवाज अब लंदन जाने के लिए कौन सा तरीका तलाश कर रही हैं, आइए आपको दिखाते हैं। पापा पाकिस्तान में थे तो मैं उनके खाने पर मुकम्मल नजर रखती थी, अब पता नहीं लंदन में क्या खाते पीते होंगे। नहीं पापा नहीं, मत खाएं ऐसे खाने, मैं आ रही हूँ, मैं आपको ये खाने नहीं खाने दूंगी। क्या हुआ बेगम, किससे बातें कर रही हो? सफदर, मुझे लग रहा है पापा लंदन में अय्याशी कर रहे हैं, मैंने उन्हें अभी लेग पीस खाते देखा है। और बेगम और मियाँ साहब को वहाँ तो सुकून से रहने दो। मम्मा, मेरा मतलब है वो कह रहे थे शुक्र है मरियम बेटी मेरे साथ नहीं है, वरना वो मुझे दोबारा भड़का के पाकिस्तान वापस ले जाती। सफदर, अब सियासत मैंने करनी है, पापा ने नहीं। पापा ना आए तो मेरा मुस्तकबिल में वजीर आजम बनना बहुत मुश्किल है। मरियम साहबा, आपका नाम ECL से निकालने की दरख्वास्त हुकूमत ने मुस्तरद कर दी है। लगता है हुकूमत भी नहीं चाहती कि पापा पाकिस्तान वापस आए, तभी तो मुझे बाहर नहीं जाने दे रहे। मुझे समझ नहीं आ रही, हम लंदन में रहेंगे कहाँ? लंदन तो क्या, हमारी पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। वो मेरा सियासी बयान था, और तुम भी तो सोचो कि मैं बाहर कैसे जा सकती हूँ। तुम्हें तनख्वाह पर किस लिए रखा है? मैं तनख्वाह सोचने की नहीं लेता, बल्कि मैं सियासत से भी इसीलिए दूर हूँ कि मुझे कुछ सोचना समझना पड़े ही ना। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। काम हो गया। भारत में ताखीर से बारात आने पर ना सिर्फ बारातियों को मारा पीटा गया, बल्कि दूल्हे को गिरफ्तार करवा के दुल्हन की शादी पड़ोसी से कर दी गई। वैसे लोगों को पाबंदी वक्त सिखाने के लिए ऐसे कवानीन पाकिस्तान में भी बनने चाहिए। हमारे यहाँ तो सूरत हाल इतनी खराब है कि अगर बारात का वक्त रात 9 बजे का हो तो शादी कार्ड पे वक्त शाम 5 बजे का छपवाया जाता है। फिर भी लोग तब तशरीफ ला रहे होते हैं जब मैरिज हॉल को ताले लगने वाले होते हैं। मशहूर ड्रामा सीरियल मेरे पास तुम हो की एक सियासी किस्त आपको दिखाते हैं। क्या बात करते हो, आजादी दुनिया की सबसे बड़ी नेमत है, और नहीं तो क्या। जेल में था तो वक्त गुजरने का नाम ही नहीं लेता। एक एक मिनट आई से काटना पड़ता था। यहाँ लंदन में तो हफ्ते दिनों में और महीने हफ्तों में ऐसे गुजर जाते हैं जैसे जैसे बिजली का बिल जमा कराने के बाद गरीब आदमी का महीना यूं गुजरता है। लंदन मुझे शुरू से ही पसंद था, पाकिस्तान तो मजबूरी में जाना पड़ता है। लंदन में दिल इसीलिए लगा रहता है क्योंकि मेरे पास तुम हो। बिजनेस हमारा लंदन में है, घर लंदन में, बच्चे लंदन में है। काश हुकूमत भी लंदन में मिल जाती, पाकिस्तान जाना ही ना पड़ता। लंदन वालों को इतनी अक्ल कहाँ, एक बार लंदन वाले हमें मौका दें। 6 माह में लंदन को भी पाकिस्तान जैसा ना बना दिया तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं। साहबदार भी तो लंदन में है, उसके सामने कोई ऊंची आवाज से पाकिस्तान बोल दे तो उसका तराव निकल जाता है। उसकी वजह नेब है। अगर यही सूरत हाल रही तो एक दिन ऐसा आएगा जब पूरी पाकिस्तानी कौम मुल्क छोड़कर चली जाएगी और मुल्क में सिर्फ नेब रह जाएगी। लेकिन मुझे कोई परवाह, कोई खतरा नहीं। परवाह की कोई जरूरत भी नहीं। आपके होते हुए हम लंदन में ऐसे महफूज हैं जैसे MQM का बानी महफूज है। मैं पाकिस्तान वापस नहीं जाऊंगा और ना ही मुझे कोई पकड़ सकेगा क्योंकि मेरे पास तुम हो। मेरे पास तुम हो। खबर के मुताबिक सड़क पर मौजूद एक मुर्गी ने वेस्ट वर्जीनिया में पुलिस वालों की दौड़ें लगवा दी। वैसे इस तरह की प्रैक्टिस हमारे पुलिस वालों को भी करवानी चाहिए क्योंकि इससे ना सिर्फ उनके पेट हल्के होंगे बल्कि अगर ये मुर्गी पकड़ने में कामयाब हो गए तो हो सकता है कि मुजरिमों को पकड़ने में भी कामयाब होने लगे। ओह माय गॉड, ये कौन आ गया मेरे सेट पर? शक्ल से तो ये वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब से लग रहा है। और ये मैं हूँ वजीर आला उस्मान बुज़दार और फिर शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी की बात कर रहे हैं आप? ओ नहीं जी, बुज़दार साहब ने कहा है कि इनको शेर शाह सूरी कहा और पुकारा जाए। लेकिन शेर शाह सूरी होता है, शेर शाह सॉरी तो नहीं। मुझे ज्यादा अंग्रेजी ना सिखाएं, मुझे आपसे ज्यादा अंग्रेजी आती है। और मुझे ये भी पता है कि शेर शाह सूरी नहीं, शेर शाह सॉरी दुरुस्त होता है। शेर शाह सूरी के पास तो तलवार थी, आपने ये बेलचा उठा रखा है। देखें जी, जब तक दिल्ली से लेकर पेशावर तक सारा GT रोड दोबारा उखाड़ कर नहीं बना लेता तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। ओ, तो ये बेलचा इसलिए उठा रखा है आपने। लेकिन शेर शाह सूरी ने खुद थोड़ी बनाया था GT रोड, उसने तो मिस्त्री मजदूरों से बनवाया था। अच्छा, तुम तो कह रहे थे कि ये GT रोड शेर शाह सूरी ने बनाया था, ये तो कह रही है कि मिस्त्री मजदूरों ने बनाया था। मेरे साथ गलत बयानी ना करना, मैं बता दूं शेर शाह सूरी साहब बनाया तो मिस्त्री मजदूरों ने ही होगा, लेकिन बनाने का हुक्म तो शेर शाह सूरी ने ही दिया था ना। पिछले 10 दिनों से खुदाई कर करके मेरा 2.5 किलो खून ही खुशक हो गया है और अब बात ही कोई और निकल आई है। बुज़दार साहब, GT रोड जहाँ जहाँ से खराब है कम से कम उसे तो ठीक करवा दे। अगर लाहौर से पिंडी के लिए निकले तो कम से कम 2 घंटे तो आपको रावी पुल और शाहदरा क्रॉस करने में ही लग जाते हैं। उससे आगे का रोड भी इतना खराब है कि सफर करने वालों को अपनी नानी याद आ जाती है। इतना खराब रोड बनाने के बावजूद शेर शाह सूरी इतना मशहूर कैसे हो गया? हाय, अगर वो जिंदा होता तो आज उसे मैं 70 कोड़े लगवाता। देखें आप, GT रोड के बजाय मोटरवे से पिंडी चले जाया करें। और चल भाई, अब मजीद और भी खुदाई करनी है। लंदन में मियां साहब के अपार्टमेंट के बाहर कौन लोग एहतजाज कर रहे हैं, आइए आपको दिखाते हैं। मियां तेरे जान साथ कुछ नाहल कुछ निवा, मियां तेरे जान साथ कुछ नाहल कुछ निवा, जवाब दो जवाब दो, फ्लैट का हिसाब दो। ये कौन लोग हैं मेरे बारे में नारे लगा रहे? मियां साहब, होंगे कोई आपके चाहने वाले। यार, चाहने वाले हैं तुम मेरे खिलाफ क्यों नारे लगा रहे हैं? आपके खिलाफ नारे लग रहे हैं। लेकिन मुझे तो आवाज नहीं आ रही, मैं जाकर देखता हूँ। मियाँ तेरे जान निसार कुछ नाहल कुछ मिवा, मियाँ तेरे जान निसार कुछ नाहल कुछ। सुनिए मियाँ साहब, अब क्लियर आवाजें आ रही है। मेरा मतलब है पता नहीं लोग क्यों आपके खिलाफ नारे लगा रहे हैं। मैं समझा कि तुम उन्हें चुप कराने गए हो, लेकिन नारों की आवाजें तो और ज्यादा तेज हो गई। मैं ही तो उन्हें पैसे देकर आया हूँ, मेरा मतलब है मैं इनको धमकी देकर आया हूँ, इसलिए शायद वो गुस्सा कर गए हैं। शुक्र है नारे बांधोगे। जैसे जैसे नारे लगते हैं दिल करता है लंदन छोड़कर अमेरिका चला जाऊं। यही तो हम भी चाहते हैं। मेरा मतलब हम ऐसा नहीं होने देंगे। वैसे मियां साहब, मेरा मशवरा है आप अमेरिका शिफ्ट हो जाएं। क्यों अमेरिका? क्यों, यहाँ क्या प्रॉब्लम है? मियां साहब, आप जहाँ जाते हैं वहाँ प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। यहाँ की क्राइम एजेंसी ने फ्लैट्स की तहकीकात शुरू कर दी है, आपकी वजह से कहीं हम भी ना पकड़े जाएं। एक मिनट, मैं देख के आता हूँ ये लोग चले तो नहीं गए। मियाँ तेरे जान निसार कुछ नाहल कुछ मिवा, मियाँ तेरे जान निसार कुछ नाहल कुछ मिवा। जवाब दो, जवाब दो। नारों की आवाजें और तेज हो जाती। इसहाकदार, इसहाकदार, क्या हुआ मियाँ साहब? इसहाकदार, ये नारे बंद कराओ। फ्लैट्स का हिसाब दो, फ्लैट्स का हिसाब दो, फ्लैट्स का हिसाब दो। मैं कहां से फ्लैट का हिसाब दूं? मैं तो मैट्रिक में भी इसलिए फेल हो गया था कि मुझे हिसाब नहीं आता। नारों की आवाज कम हो गई है, मैं भी बंद करा के आता हूँ। मियाँ तेरे जान निसार, साहबदार, साहबदार, इनकी आवाजें बंद कराओ और बंद कराओ और ये सब बंद कराओ। फ्लैट का हिसाब दो। मियाँ तेरे जान निसार कुछ नाहल कुछ मिवा, फ्लैट का हिसाब दो। गो नवाज गो, गो नवाज गो। मियाँ साहब, साहबदार, ये भी मुझे यंग डॉक्टर का गुंडा लगता है, इसे फिर मारो। हाँ, ओ भाई, ओ छोड़ो छोड़ो, ओ छोड़ो। वज़ीर आज़म इमरान खान का वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी की तारीफ करते हुए कहना है कि वो अच्छे तरीके से जानते हैं किस खिलाड़ी को किस नंबर पर खिलाना है। खान साहब, अगर फवाद साहब इतने अच्छे खिलाड़ी हैं तो उन्हें क्रिकेट टीम में क्यों नहीं खिला लेते? हो सकता है कि इससे टीम की बुरी कारकर्दगी में कुछ बेहतरी आ जाए। लंदन में नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और इसहाकदार को पकड़ने के लिए कौन लोग इश्तेहारात लगा रहे हैं, आइए आपको दिखाते हैं। मुझे यहाँ बुर्का क्यों पहना दिया? तो यार ये लंदन है, कोई अफगानिस्तान नहीं। मियाँ साहब, यहाँ पर लोग मोबाइल पकड़कर ऐसे हमारा पीछा करते हैं जैसे हमने उनके पैसे देने। अगर कोई वीडियो बन गई तो खामखा बदनामी होगी। यार मैंने नहीं पहनना बुर्का, मैं नवाज शरीफ हूँ, कोई इश्तेहारी नहीं है? ये देखे, ये देखे बाजी, दीवार पर आपके इश्तेहार लगे हुए हैं। मेरे इश्तेहार? चलो देखे तो। अच्छा ले, ये देखे, नाम नवाज शरीफ, उम्र काफी ज्यादा, दिमागी तवाज़ुन तकरीबन दुरुस्त है। 4 हफ्ते कबल इलाज के लिए लंदन गए थे, वापस नहीं आए। जिस किसी को भी मिले बराए करम पाकिस्तान जाने वाली फ्लाइट पर बिठा दे। मंजानब कोट लखपत जेल पाकिस्तान। लो जी मियाँ साहब, आप तो सचमुच इश्तेहारी हो गए। यार ये किसी की शरारत है, अभी तो जुमानत को 4 हफ्ते मुकम्मल नहीं हुए। मियाँ साहब, इसीलिए कह रहा हूँ कि लंदन से अमेरिका चले जाएं, लंदन अब महफूज नहीं रहा। चले 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 पाजी, आगे चले। डॉक्टर साहब, ये देखें, आपका भी इश्तेहार लगा हुआ है। नाम इसहाकदार, उम्र तकरीबन गुजार चुकी है, दिमागी तवाज़ुन अक्सर खराब रहता है, नैब को करप्शनों के केस में मतलूब है। 2 साल कबल इलाज की गर्ज से लंदन गए थे, लौट कर नहीं आए। जिस किसी को भी मिले फौरन पाकिस्तान के हवाले कर दें, मनजानिब मैं पाकिस्तान। शबाशी साहब, वो आपका भी इश्तिहार लगा है। क्या बात करते हो, क्या बात करते हो, कहाँ है मेरी फोटो? वो देखें। हैं? आओ चले। नाम शहबाज शरीफ, पुट्ठा नाम खादमे आला। उम्र का सुराग लगाना भी बाकी है। खुद को स्पाइडरमैन समझते हैं। दिमागी तवाज़ुन सिर्फ पाकिस्तान में ठीक रहता है। नैब को मनी लॉन्ड्रिंग के नए दरियाफ्तशुदा केसेस में मतलूब हैं। जहां कहीं भी नजर आए इनको फौरन पाकिस्तान के हवाले करें। मुंजानब वजीर आजम के मावन खसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर। क्या बात करते हो, क्या बात करते हो। कभी कभी हमारे फ्रेट के सामने एहतजाजी मुशायरे किए जाते हैं और कभी कभी हमारे खिलाफ इश्तहार लगवाए जाते हैं। पाजी पाजी, ये लंदन है या पार्टी लुआरी। हम यहाँ थोड़ी देर पहले ही इश्तिहारात लगा कर गए थे, किसी ने उतार दिए। अब देखे खान साहब, अब मैं तो कहता हूँ कि पूरे लंदन में हेलीकॉप्टर से इश्तिहारात फेंक देते हैं। ऐसे तो हम थक जाएंगे, इश्तिहार फिर भी पूरे नहीं होने। ओहो, यहाँ पर तो 55 रुपए फी किलोमीटर वाला हेलीकॉप्टर भी नहीं मिलता। वो परे, उठाओ इनको और लगाओ। चलो अब देखे खान साहब, इस बार तो हम लगा देते हैं, आइंदा किसी ने उतारे तो हमने नहीं लगाने। एक्सक्यूज मी, आप लोग यहाँ क्या कर रहा है? लंदन की दीवारों पर इश्तिहार लगाना जुर्म है, आप दोनों को गिरफ्तार किया जाता है। देखिए, हमें तो खान साहब ने कहा था कि आप इश्तिहारात लगाएं। आपने इन लोगों को इश्तिहार लगाने का बोला था। मैंने इनको क्यों कहना था? मैं तो इनको जानता भी नहीं, पता नहीं कौन है। जी आप ले जाए इनको थाने, इनको ले जाए उठा के। इनको पता नहीं है लंदन के कानून का, बताएं इनको जरा अच्छी तरह। खान साहब, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का कहना है कि बड़े मकसद के लिए कश्तियां जलाना पड़ती हैं। खान साहब, ये तो बता दें, जिनके पास कश्तियां ना हो वो क्या जलाएं? खान साहब, आप शौक से कश्तियां जलाएं, लेकिन लोगों के लिए दो वक्त की रोटी मुश्किल ना बनाएं, वरना ऐसा ना हो कि लोग कश्तियां जलाकर हुकूमत के खिलाफ निकल खड़े हों। मौलाना फजलुर रहमान के पास कौन से नए प्लान्स हैं, देखते हैं तब्दीली टाइम में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट फजर अली एंड यू आर वाचिंग तब्दीली टाइम। आज के शो में हमारे मेहमान हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने डॉक्टर मौलाना फजलुर रहमान को इस शो में बुलाकर हमारा दिल खुश कर दिया है। डॉक्टर मौलाना फजलुर रहमान, ये आप डॉक्टर कब से हो गए? भाई, अगर इलामा ताहिरुल कादरी डॉक्टर हो सकता है तो फिर मौलाना फजलुर रहमान के डॉक्टर होने में क्या मसला है? अरे मौलाना साहब, ताहिरुल कादरी साहब पीएचडी वाले डॉक्टर हैं, मेडिकल वाले नहीं। भाई, होता तो डॉक्टर ही है ना, चाहे वो पीटीडीटी, वो क्या था, वो पीएचडी, हाँ वही वाला हो या मेडिकल वाला हो, हम भी डॉक्टर बनकर इस हुकूमत का ऑपरेशन करने आए हैं। क्यों, हुकूमत को पथरी हो गई जो आपने ऑपरेशन करना है, या हुकूमत के दिल की शरियाने बंद हो गई हैं जो आप बाईपास करेंगे? हुकूमत ने धांधली के कंटेनर लगाकर मौलाना फजलुर रहमान के वजीर आजम हाउस जाने की तमाम शरियाने बंद कर दी है। हम ऑपरेशन करके इक़्तिदार के सारे वॉल्व खोल देंगे। किधर है डॉक्टर, किधर है डॉक्टर? ये बैठा है, पकड़ ले। अरे अरे अरे, रुको रुको, अरे कसम ले ले, हम डॉक्टर नहीं है। अरे हम मौलाना फजलुर रहमान हैं, सियासतदान। हम तो एक दिन भी स्कूल नहीं गए, भला डॉक्टर कैसे हो गए? किसी भी डॉक्टर को छोड़ेंगे नहीं हम। अरे क्यों, डॉक्टर से ऑपरेशन करके क्या आपके पेट में मोबाइल भूल गए हैं? जो आपको इन पर इतना गुस्सा आया हुआ है। अरे अरे आप मेरी तरफ इशारे क्यों कर रही हैं? मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ। पहले डॉक्टर ने हमें मारा था, अब हम बदला लेंगे। मैं पित्ते का इलाज करवाने गया, डॉक्टर ने मेरा किडनी का ऑपरेशन कर दिया। हम छोड़ेंगे नहीं। अब मुझे तो ऐसी जगह पर इंजेक्शन लगाया है, ना मुझसे ठीक तरह बैठा जाता है और ना ही तेज दौड़ा जाता है। अरे 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 बदला लेना है तो डॉक्टर से ले। हम तो पहले ही इलेक्शन में बुरे तरीके से हारे हुए हैं 73 के आइन के तनाजुर में। और मेरी बात सुने, वो तोड़फोड़ करने की जरूरत नहीं है। तो पहले भी आप लोगों ने बहुत हंगामे किए हैं, तो आधे वकील हमने गिरफ्तार कर लिए हैं। आप लोग भी हथियार फेंक दें और बैठकर मुज़ाकरात कर लेते हैं। मुज़ाकरात? ये भी मुझे यंग डॉक्टर का गुंडा लगता है। इसे फिर मारो। हाँ? ओ भाई, ओ छोड़ो छोड़ो, ओ छोड़ो। ओ बड़ा मारा इन्होंने। फयाजुल हसन चौहान साहब, आपको किसने कहा था कि चलते हुए डंडों के बीच में आए? कुछ दिन पहले भी आपने वकीलों से ऐसे ही मार खाई थी। और मेरा ख्याल था कि अब बंदे के पुत्र बन गए होंगे। तौबा तौबा, बंदा एक बार वकील बन जाए दोबारा इंसान नहीं बन सकता। हम भी चलते हैं, कहीं वो दोबारा ही हमला ना करते हैं। अच्छा फयाजुल हसन चौहान साहब, हमें ये बताएं कि ये सारा किस्सा है क्या? क्यों लड़ रहे हैं डॉक्टर्स और वकीला हजरात? मुझे अस्पताल पहुंचाओ, और तुम्हें इंटरव्यू की पड़ी हुई है। अस्पताल में भी डॉक्टर्स ने हड़ताल कर रखी है, आपको घर पहुंचा देते हैं। अरे कोई इधर आओ, इनको उठाकर घर पहुंचाओ। लीजिए नाज़रीन, फिल वक्त शो का वक्त ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी किसी नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। एक सर्वे के मुताबिक तकरीबन 55% लोगों का कहना है कि हुकूमती रहनुमा और वुज़रा नाअहल हैं। हैरत की बात ये नहीं है कि हुकूमती वुज़रा नाअहल हैं। हैरत की बात तो ये है कि इतनी महंगाई के बावजूद भी 45% आवाम हुकूमत को अहल समझ रही है। नाजरीन, कैसा लगा आपको आज का शो? अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, जैसा कि आप अपना फीडबैक हमेशा से देते आए हैं। और अपना फीडबैक देने के लिए हमारा ईमेल एड्रेस नोट कर लीजिए, आपके सामने स्क्रीन पर भी चल रहा है, क्योंकि जमहूरियत है @24newshd.tv। आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं। जब आप फेसबुक सर्च में टाइप करें तो टाइप कीजिएगा क्योंकि जमहूरियत है। मुझे दीजिएगा इजाजत, क्योंकि जमहूरियत है। सड़कों पर ना घसीटा तो मेरा नाम शहबाज शरीफ है।